नमस्कार, वेब दिन न्यूज में आपका स्वागत है और नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा में अप्रत्याशित हंगामा, शिवसेना सांसदों ने किया मंत्री अशोक गजपति राजू का घेराव। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गरीब वंचितों के लिए काम करते रहेंगे। चीन के विरोध के बावजूद तवांग पहुंचे दलाई लामा। साक्षी महाराज बोले, धर्म निरपेक्षता का अर्थ ज्यादा व्यापक नहीं। फरीदाकोट में महिला के साथ दो लोगों ने किया बलात्कार। फिलीपीन के राष्ट्रपति ने दक्षिणी चीनी सागर में सैनिक तैनात करने के आदेश दिए। राहुल गांधी बोले, अलवर घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। दक्षिणी कोरिया में 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका ने दी चेतावनी, सीरिया सरकार को दिए गए समर्थन पर दोबारा सोचे रूस। लोकसभा में बीजेपी नेता भरथरी बोले, म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों के भी बने हैं आधार कार्ड। सपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, सोशल मीडिया पर सांसदों की छवि खराब की जा रही है। शुंगलू समिति रिपोर्ट पर कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। सुराज अभियान पर निकले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मनरेगा मजदूर के घर खाना खाया। अलवर में गौ तस्करी के आरोप में पिटाई से युवक की मौत के मामले में 3 गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में मिट्टी के धंसने से 4 महिलाओं की मौत, बच्चा घायल। और खबरों के लिए देखते रहिए webdunia.com।